मॉर्निंग फ्रेंड्स, आतिश मॉर्निंग के कन्नड़ माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, और आरोह हमें जो है तीन चैप्टर पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ। और अब सिक्स वाला जो चैप्टर है अपना वो चल रहा है, जिसका नाम है स्थिति में बारिश, और जिसके लेखक है कृष्णनाथ। तो कृष्णनाथ जो है इनका जीवन परिचय जो है वो अपन ने पढ़ लिया है, और ये जाना कि उन्होंने किन किन की रचना की है, साहित्य लेखन में कहाँ कहाँ उन्होंने लेखन चलाई है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। साथ ही अपन ने देखा कि उनकी विशेष बात क्या रही है, इकोनॉमिक्स के व्यक्तित्व हो रही है, इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त था, और इसी के साथ बहुत दर्शन से भी खुश रहते थे, यात्राएं करना उनका शौक था, और उन्होंने विभिन्न स्थानों की जो यात्राएं की है, और यहाँ जो पाठ अपन पढ़ रहे हैं वो भी आपकी यात्रा से ही यात्रा शैली में ही लिखा गया है, और हिमाचल हिमाचल जो है उसके मध्य में स्थित है स्पीति। तो उस स्पीति नामक स्थान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसको लगातार देखते हुए आप लोग निकालिए में बारिश। कल अपना एक ही पैराग्राफ हो पाया था, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉब्लम है लाइट वाली वो आई थी इसके कारण, तो आप वापस से अपन इसको स्टार्ट करेंगे स्थिति में बारिश। स्थिति में स्थान विशेष का नाम है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, कभी कभार होती है। तो लेखक जिस समय गए थे तो वहां उन्होंने संयोगवश बारिश देखी, उसी बारिश का वर्णन जो है उसमें करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि स्पीति जो है कहाँ बसा हुआ है, कैसे उसके रास्ते हैं, कैसे वहाँ के लोग हैं, कितने वहाँ के लोग हैं, कौन कौन से संचार के साधन वहाँ उपलब्ध है, क्या उसका प्राचीन इतिहास रहा है, उन सब के बारे में जानकारी यहाँ दी जाएगी। कौन सी फसलें पैदा होती है, कितनी रीतें वहां होती है, और कितनी उसकी ऊंचाई है, चढ़ाई है, कितने पहाड़ है, उन सब के बारे में यहाँ दिया गया है। स्पीति में बारिश, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति जो है लाहौल की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगा योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण दर्रे के होते में दर्रे किसको कहते हैं, पहाड़ों के बीच की जो खाइयां होती है ना उनको दर्रे कहते हैं। तो दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। एलग्य जिसे लाम पाना मुश्किल हो, उसे पार कर पाना मुश्किल हो, भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योगराइड वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। कहां पर है ये केलंग और काजा, दो स्थानों के नाम दिए गए। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसके अवज्ञा को नहीं कर रहा है, कहीं बगावत को भी करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस वायरलेस सेट संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना कठिन, आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव। वसंत में तो 2-3 दिन ना कभी होती ना गर्मी होती है, 170 किलोमीटर पार जा पाना मुश्किल था, तो सभी बहुत ज्यादा दुर्बल। प्राचीन काल में शायद स्थिति भारतीय साम्राज्य का नाम अंग रही है, नाम अंग रही है, यानी जिसका कभी नाम नहीं। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है, फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल में भूगोल ने सिद्धि है, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संभाल भी करता है। भूगोल यानी आपकी ज्योग्राफी। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरता संदेश बार पोस्टमैन जिसे
उसी तरीके से पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे, घूमते जाने ले जाने के जो व्यक्ति हुआ करता था उसे घर पर कहा जाता संदेश वाहक, तो उसके आते जाते में अल्प वसंत बीत जाता था, ये संदेश भी अगर भेजा जाता था तो काफी समय उसमें लगा करता था, ये नहीं कि अपने तरफ ने फोन पे सेकंडों के हिसाब से संदेश पहुंच गया, तो उस समय क्या थे साधन नहीं थे। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्थिति का तरीका वही था जो उच्चरी गोलवाल में मैंने देखा था, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौर की अदस्कर आंख बंद करकर चारमा का तना पकड़ के एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए, यानी जब डायनामाइट चट्टाने जो होती है उनमें जो विस्फोट होता है जैसे ज्वालामुखी फटता है उसी तरीके से एक विस्फोट होता है, लाहौली अदस अदस यानी घबरा कर आंख बंद करके चारमा का तना पेड़ में सब तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए, जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे, जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्थिति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जोरावर सिंह है जिसने स्थिति का आक्रमण किया था, यानी जब कोई भी चट्टान में उसको बम वगैरह फेंका जाता है तो उसके कारण क्या होता है चारों तरफ भूमि जो होती है लगती है, लोग जो है घबराहट के मारे पेड़ के तने को पकड़ करके बैठ गए, तो जोरावर सिंह के आक्रमण के समय बात उसने स्पीति के को और वहां के ये आरोप को मुटा, यानी ये ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या की स्पीति में झूठ पाट दी और स्पीति के बिहारों के हमें जो मठ वगैरह बने होते हैं ना उनको भी मुटा, यह है प्रति का शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौर से भी कम है, स्थिति की जो जनसंख्या है वो लाभ से भी कम है। इधर बैठ जाइए। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 रहे। अब देखो स्थिति की जनसंख्या कितनी है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 रही है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला जो 12,015 वर्ग है, यानी सिर्फ स्पीति का नहीं है लाहौल और स्पीति दोनों का जोड़कर के उन्हें ये क्षेत्रफल मिला है जो कितना है 12,015 और जनसंख्या 1971 में कितनी बताई है 7,196। स्पीति का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल बजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, 4 से भी कम है। तो अपना जो जैसलमेर या राजस्थान का उसका क्षेत्रफल भी कम है, कितना उसका क्षेत्रफल आपको बताओ प्रति वर्ग मील कितना है 13 है, यानी एक दिन में 13 व्यक्ति बसते हैं और दिल्ली का कितना है क्षेत्रफल, यानी एक दिन में कितने व्यक्ति रहते हैं 2,000 सबसे ज्यादा दिल्ली आबादी से भी दिल्ली की ज्यादा है, जगह तो कम है रहने वाली ज्यादा है, राजस्थान में भी ज्यादा जैसलमेर है वहां का जो है जगह तो भी ज्यादा रहने वाले कम है। इसी तरीके से स्पीति में भी क्या है जगह तो है ज्यादा और रहने वाले बहुत ही जगह भी कम ही है लेकिन रहने वाले उससे भी बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल जो है इसका 2,155 में जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को 10 का प्लस मिला, ब्रिटिश शासन से जैसे था वैसे का हिस्सा मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में 46 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला, किसके जरिए मिला कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के पूर्व वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे, तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के गुरुगामी भी थे, गुरुगामी क्या होते थे दूर के लिए बड़ा सोचते
आगे के समय की जो भी हो 1846 में लागू स्थिति ब्रिटिश अधीनता में आए। ब्रिटिश अधीनता में कब आए, स्वतंत्र कब हुए, स्वतंत्र में ही स्वतंत्र 1846 में अंग्रेजों के साम्राज्य में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में भी कांगड़ा जिले में सरिक कर दिए गए। लद्दाख मंडल की नियुक्ति भी स्थिति का शासन एक मोनो द्वारा चलाया जाता था। मोनो किसको कहा गया है, जैसे अपन कहते हैं ना राजा शासक, उसी तरीके से वहां के शासक को अब क्या कहा गया है, मोनो कहा गया है। ब्रिटिश भारत में भी हिंदू के असिस्टेंट कश्मीर के समर्थन से है मोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट यानी इसको चलाने वाला जो मुख्य था वो दूसरा था और उसके अधीन के कार्य। लेकिन स्पीति के लोग उसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते, राजा नहीं था पत्नी की उसको लोग निरति माना करते थे कि वही शासन चलाए। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लागू और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा दिया जाना है विशेष महत्व प्रदान करना। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार लोगों को दिए गए जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। तो यहाँ देखो लोगों ने क्या कार्य किए हैं, यानी जो शासक है उसने माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे जो फौजदारी के मुकदमे हुआ करते हैं उनमें अपना फैसला सुना। उसके ऊपर के मामले को कमिश्नर के पास ही भेज देता। उन दिनों लाहौल स्पीति का प्रधान कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता। साम्राज्य के बाद 1960 में यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि समय तक हमारा देश स्वतंत्र हो चुका। 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला या जिसका केंद्र केलंग में कहा है इसका केलंग। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। उत्तरी छोर छोर किसको कहते हैं, यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम यानी जहां पहुंच पाना कठिन हो ऐसा ही क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश तक और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अक्षांश ये और देशांतर ये जो रेखाएं हैं वो आपने अपने जो सब्जेक्ट में ज्योग्राफी SSC में पढ़ा होगा। कौन सी अक्षांश होती है, कौन सी देशांतर होती है, तो ये नहीं पढ़ा था आपने, ये नहीं पढ़ा है, ये रेखाएं ये नहीं पढ़ी, ये वाली नहीं पढ़ी। अब आप इंग्लिश में तो क्या कहते हो, मेरा ध्यान नहीं है। ये जो है ये अक्षांश ही है, ये देशांतर की रेखा है, इंग्लिश नाम आप वो नहीं पता था कि इसमें नाम की ये नाम से 38.4 है, 35.4 है, कुछ भी बता देते इनका है। तो ये आपके अक्षांश ही देशांतर के विस्तार है। भारत का नहीं पता थी, राजस्थान का नहीं पता थी क्या, आप भारत रेखा देखते हैं जिससे उसमें भी बताते हो ये चीज समय का विभाजन भी कर लीजिए। जो रेखा एक रेखा चार मिनट होती है और जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतनी चीज होगा कि समय का अंतर आएगा। तो स्थिति जो है ये याद रखना पड़ेगा। स्थिति की भौगोलिक स्थिति जब आप लिखोगे उस समय आपको बताना पड़ेगा कि कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी उसकी जनसंख्या, कितने जिले में कितने व्यक्ति रहते हैं, किसने वहां राज किया था, किस समय किया था, संदर्भ बतानी पड़ेगी, कितना उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, क्योंकि इसमें आपको ज्योग्राफिक तरह याद करनी पड़ेगी। आपको
यह चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ों का कहती है, तो चारों तरफ क्या है इसके पहाड़ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। तो पहाड़ों की ऊंचाई कितनी बताई है? 18,000 फीट। यह पहाड़ से पूरब में तिब्बत से, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। चारों दिशाओं के पहाड़ ना, क्या क्या बोल रहे हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इंग्लिश नाम बताएंगे। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है, यानी वहां पर स्पीति नाम की नदी भी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। यानी स्पीति नाम की जो नदी है वो आपके हिमालय के पश्चिम से निकलती है, 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब दिशा की ओर तिब्बत में चली जाती है। वहां से स्पीति में आती है, उसके बाद वहां से स्पीति में प्रवेश करती है स्पीति नदी। स्पीति स्थान का नाम भी है और स्पीति एक नदी का नाम भी है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर रास्ते में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। सतलुज नदी की पढ़ाया आपने, उस नदी में ये मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति प्रीति है, यानी प्रीति मैडम ने आपको बताया है, यहाँ प्रीति का अर्थ है प्रेम। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिंडी घाटी प्रसिद्ध है। पिंडी घाटी कहाँ है? स्पीति में ध्यान कर लेना, छोटे प्रश्न से बनेगी। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और विदान है। बीहड़ और विदान किसको कहते हैं? अपने ना, जैसे बीहड़ बिल्कुल जो खाली पड़ा है दुनिया सा, उसको बीहड़ कहते हैं। विदान था कोई अब तक नहीं। इनमें से शायद स्पीति की घाटी भी आबाद है। आबाद है यानी लोग रहते हैं। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग में 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यानी आश्चर्य। आश्चर्य यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, यानी इतना दुर्गम स्थान पे, इतना कठिन मार्ग है जहाँ कोई साधन सुविधाएं नहीं है, ऐसी स्थिति में इतने लोग भी कहाँ से रहते हैं। मैंने जब भी स्थिति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने से दुनिया से कटे हुए हैं। 8-9 महीनों तक पूरी दुनिया से कटे हुए थे, क्योंकि बंद पानी, ठंड में छुटे हुए हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर घर जो गर्म कर सके। प्रति नहीं है फिर क्यों रहते हैं, यानी जीवन नहीं है फिर। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्म भूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजदूरी में रहते कि कभी और जा भी सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तत्व नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सके, स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना महत्व ज्यादा करके संसार को निर्माण तर्क के परे संसार को निर्माण, निर्माण यानी मोक्ष जो है करके यानी जिससे तर्क नहीं किया जा सके, तर्क के परे उससे दूर। आगे है स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य। लाहौल नामक जो स्थान है, लाहौल की जो यात्रा है वो आपके लाहौल संस्कृति में, क्योंकि पहले आपके लाइफ में चला करते थे जिसमें चैप्टर था लाहौल, तो लाहौल के बारे में आप लाहौल संस्कृति जो लेखक है उन्होंने लिखा है, और वहाँ स्पीति के बारे में आपने किसने लिखा है, क्या नाम आपके लेखक का? कृष्ण नाथ ने लिखा है, ध्यान होना चाहिए।
तो स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे और भव्य। नंगे यानी वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, भव्य यानी सुंदर। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का 8 नाग जमा हुआ है। स्पीति के जो नर नारी थे, पुरुष और स्त्री थे, उनका जो 8 नारी बनिया, उनके लिए कहा गया है कि उनकी जो बनिया है वो जमी भी है। सिर का 18 स्त्री, हिम का 8 नाग है, हिम यानी पर्वत, बर्फ की आवाज है, किचुरन है, गलन है, व्यथा है, महीने तक बर्फ पड़ती रहती है, जिसके कारण हिम की भी आवाज है, किचुरन यानी सर्दी के कारण, और गलन, गलन भी सर्दी का एक रूप है, तेज ठंड के कारण, और व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे बोला पहाड़ को कैसे पक सकते हैं, यानी जो हर सुंदरता को माप सकते हैं, कोई चीज अगर सुंदर नहीं है उसमें भी सुंदरता देख सकते हैं, तो यहाँ तो इन पहाड़ों में भी सुंदरता देख सकते। वे यह जान ले कि स्थिति मध्य हिमालय की धरती है। क्या है स्थिति? मध्य हिमालय की धरती, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नदी है। ये सारी जो चीजें होती है कहाँ होती है? कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल जाते ना लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन, और वहाँ सारी सुविधाएं भी है। तो स्थिति जो है वो ऐसा नहीं है। हिमालय का तलवा है, शिवालय क्या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलपति। दूसरा इसके बारे में क्या बताया है कि हिमालय का तलवा मेन निचला हिस्सा, शिवालय या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलपति है, तल में बसा हुआ है। रोहतांग रोड के पार मध्य हिमालय है, इसमें भी लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फुट है। देखो कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फुट है। स्पीति की 12,986 फुट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। 13,000 फीट की लगभग ऊंचाई बताई गई। तो ये है आपका स्पीति के बारे में वर्णन, जिसमें बताया जा रहा है स्पीति के बारे में। स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, आगे बढ़ा दो। मध्य हिमालय की जो श्रेणी स्थिति को घेरे हुए है, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लार्जर श्रेणियों का विस्तार है। ये बात आप देखो, मध्य हिमालय की जो श्रेणी स्पीति को घेरे हुए है, उनमें से जो उत्तर में है उसे क्या नाम दिया गया है, 12 लार्जर श्रेणियों का विस्तार। 12 लार्जर दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी के बनाती है। दक्षिण की जो श्रेणी है उसे क्या नाम दिया गया है, माने श्रेणी दिया गया है। प्रश्न भी बनेगा क्या इसका क्या अर्थ है, माने का क्या, कहीं ये बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, यानी बौद्ध जो हुआ करते थे विष्णु, उनके द्वारा क्या था कि माने नाम का मंत्र बोला जाता, कहीं उसके कारण इन पहाड़ियों का नाम माने नहीं है। ओम मणि पद में इसका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महत्व में है, महत्व है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उस श्रेणी को देगा ही सहज है। दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं उनका नाम माने की पहाड़ियां
बोला गया है क्योंकि वहां के जो बोध भिक्षु है उनके द्वारा बोध मंत्र का जाप किया गया था, माने मंत्र का, और वो मंत्र क्या था, ओम मणि पद्मे ॐ, और इसके कारण जो है उन पहाड़ियों का नाम माने पड़ा। ये आपको ये प्रश्न भी है। आगे का जो है स्थिति का वर्णन वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। जितना आपको पढ़ा दिए गए हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लें, और जो काम आपको दे दिया गया है वह कार्य है उसे कम्प्लीट करके आप चेक करवाएं, और टेस्ट की नोटबुक अगर किसी ने नहीं दिया अभी तक तो वो भी आप दे दें, और नोटबुक अगर लाए तो चेक करवा लें। ठीक है, धन्यवाद।